Ladies and gentlemen, Kamalpreet Singh, Sunny. The beautiful poetry has been written by Gurpreet Pradesh. And the father of Gary Dillon, Sunny Dillonji. A big round of applause. When I made this film, sometimes you know when you make a film, जब मैं पंजाबी से बोला था और उसकी बाहर आके टैग लगाने की पंजाबी से तो कभी कभी ना अपना बनाया हुआ लिखा हुआ ना सानू तद नहीं लगता छे को अठ महीने बाद जाके जोर भी लगता है ये फिल्म वो सी जी मैं बहुत बाद जाके लगी कभी कभी ना असी सानू लगता है कि असी अपने बड़े बुजुर्गों तो ही सीख सकते हैं कभी कभी ना असी अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं वो बहुत जरूरी गल लाइफ से सानू कह देते हैं वो यू नो सम टाइम मेरे तो इंग्लिश निकल नहीं जाती कभी कभी ना असी यू नो वी फील कि वी आर देयर रोल मॉडल्स बट बच्चे हमारे सबसे बड़े क्रिटिक और ऑब्जर्वर हैं वो बता सकते हैं कि पापा आप ठीक नहीं कर रहे मम्मी आप ठीक नहीं कर रहे हम बच्चों का तो दो चुप कर मैं बताऊंगा क्या ठीक है या अपनी बेटी को हम चुप करा देते हैं हम उनकी चीज़ों से सीखते नहीं हैं हमें लगता है वी हैव टू हमें अपने बड़ों को ही देखना है अपने छोटों से कुछ नहीं सीख सकते ये फिल्म मुझे तब लगी जब बाकी भी मेरे साथ होना शुरू हुआ हमारे छोटे शायद कभी हम हमें मतलब हमें वो चीज़ें सिखा जाती हैं जो हमारे बड़े नहीं सिखा पाते और फिर हम लोग एक ना ब्रिज हैं अपने बुजुर्गों के भी और अपने बच्चों के भी उधर से हम रिसीव कर रहे हैं इधर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर प्रोसेस ना बहुत कम होता है और जब होता है तब तक हम इतने ओल्ड हो चुके होते हैं फिर हम भगवान का नाम ही जपते हैं तो मुझे लगता है कि जब तक होश में है नीचे से और ऊपर से दोनों से सीख लेना चाहिए सो अप टू कमलप्रीत सिंह नाउ कमलप्रीत सिंह रीडिंग मैन ऑफ रूप यू वुड बी सीइंग हिम इन जुबान एंड हाँ देवेंद्र पाल सिंह सर ऑल्सो उन्होंने भी असी देखे सी जी सर नेचुरल फिर मैं माइक देते Congratulations to the Roop team and the title which they have selected, Roop, is in fact a very appropriate title because the Kesh is the Roop of the Sikh. And if you recall that the 10th master, Tanpur Singh Pasha, when he named the Dagar, the Anandpur Sahib was named as Keshgarh. It was not named Kirpangarh, it was not named Gangagarh. Why it was named Keshgarh? Because Kesh is the root of Sikhism. If anybody wears a turban or anybody wears a kirpan, anybody wears a ganga, but he doesn't have Kesh, he is not a Sikh. So this title of the film and this group is very, very appropriate. Congratulations. Over to Kamalpreet Singh. सत श्रीकाल जी सारे ने वाहेगुरू जी का खालसा तो वाहेगुरू जी की फतेह तो दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जदों स्टोरी जसवी जी ने मैंने सुनाई सी तो मैं काफ़ी टाइम लग्या सी यू नो एक्सैप्ट करन दे विच दैट मैं कर पावगा कि नहीं कर पाव बिकॉज ये एक गुरसिख मुंडे की रिक्वायरमेंट सी तो स्टोरी इन्नी टची सी कि उन्होंने एक्सैप्ट करन दे विच मैं टाइम लग्या ते आई गेस इट टुक मी 8 months टू यू नो ग्रो माई बियर्ड आई हैड टू लीव अराउंड 15 to 20 प्रोजेक्ट्स फिल्मों भी सीखिया कुछ आर्ट्स भी सीखिया बिकॉज ये स्टोरी इन्नी ग्रिपिंग सी इन्नी स्ट्रोंग सी कि जे इस स्टोरी की रिक्वायरमेंट एक्टर फुलफिल नहीं कर पाएगा तो स्टोरी फ्लैट हो जाएगी और यदि जी रूट हैगी है कि वो एक बच्चा अपने पेरेंट्स न अपने फादर न सिखा है लाइक ही सैड असी अपने बच्चों से इन्ना रोक झाड़ते हैं इन्ना कुछ उन्होंने सुनाने भी तू गलत है तेन कुछ नहीं पता है ना तू दीन दुनिया नहीं देखी असी ही हमेशा यू नो राइट है तेन कोई हक नहीं है बोलन का तो ये जरा असी मैसेज दिखाने की कोशिश की है भी हर बंदे बोलन का हक है और ये नहीं है कि वड्डे ही हमेशा यू नो राइट होंगे है छोटे भी कई बार ऐसी चीज़ सिखा जाते हैं जो कि जरा वड्डा बंदा है कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता तो ये साड़ी मेहनत हैगी है दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस फिल्म इज गेटिंग स्क्रीन तो तुम सारे ने असी तो खैर फिल्म देखी हुई सी बट इन इंडिया फर्स्ट टाइम इन इंडिया सारे ने फिल्म पहली बार देखी हुई है तो वी आर वेरी ऑनर्ड एंड वी आर हैप्पी कि तुम तेनों इन्ना प्यार दिता है तो आई एम जस्ट थैंकफुल कि सारी मेहनत जी है वो रंग लग जाएगी थैंक यू जी थैंक यू
मैंने थोड़ी हंसी मजाक आके रखी है, तो कामतवीर को जब मैंने रोज सुनाया ना, तो ही लुक एट मी एंड ही सेड, पाजी आर यू सीरियस, आई एम गोइंग टू प्ले अ फादर ऑफ अ 10 ईयर ओल्ड, इज इट पॉसिबल? मैंने कहा यू लुक एट टू माय आईज एंड से यस. गुरप्रीत वड़ैच, ही रोट द ब्यूटीफुल लाइंस, द पोएट्री यू हर्ड इन रूप, ब्यूटीफुल लाइंस गुरप्रीत. गुरप्रीत वुड यू लाइक टू शिकार जी सर, मेरी जिंदगी की यह बहुत ही बेहतरीन कवितावां चो एक सी, जो भाजी ने कहा कि यह तू इतना लिखनी है, तो मैंने उन्होंने पूरी स्टोरी समझाई, तो मेरे मन च इको गल आई कि तो रूह की गल कर रहे हैं. सो जो भी लिखे थोड़े सामने सीगा प्यार, थैंक यू. ਅਤੇ ਗੈਰੀ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟਾਰ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਗੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆਪ ਕਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਾਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਯੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ. ਅਤੇ ਓਵਰ ਟੂ ਸੰਨੀ ਭਾਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਗੈਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਾਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਸ਼ ਕਟਾ ਲਏ, ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਸ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਸਹਿਆ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਥੈਂਕ ਯੂ.